हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 15 जून 2018। प्रीलिम्स सबमिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आज की इस न्यूज़ में हम आगे और जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है, न्यूज़ ऑन एयर वगैरह की सारी जो भी हमारे लिए प्रीलिम्स के नज़र से इंपॉर्टेंट हो जाती है वो सारी न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश है वो करेंगे। तो चलिए जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो आज आर्टिकल आया है या जो न्यूज आई है वो आई है, इंडिया और वियतनाम ने एक जॉइंट स्टाम्प है वो लॉन्च किया है उसके बारे में। तो हमें ध्यान रखना है कि वियतनाम और इंडिया का जो जॉइंट स्टाम्प है वो किस किस से रिलेटेड है। यह मेनली इंडिया का जो आपको पता है कि सांची का स्तूप है उससे रिलेटेड है। इसके साथ ही वहाँ का एक आपको वियतनाम का एक फो मीन है पगोड़ा है उसको लेके है। जो पगोड़ा है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है और स्तूप आप देख सकते हो। इसके बारे में हमने आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। तो इस तरह के दोनों को मिला के एक जॉइंट स्टाम्प है वो लॉन्च किया, तो यूपीएससी इन दोनों के बारे में पूछ सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि फो मीन है पगोड़ा क्या है, ये वियतनाम का है। इसके साथ ही अगली बात आती है वो आती है इंडिया का सांची स्तूप। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ टाइम पहले जब वियतनाम में भूकंप वगैरह रहता है उस टाइम पे पगोड़ा थे वहाँ के, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब इनका नुकसान है वो हो गया था। और इसी दौरान क्या हुआ था कि इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने हेल्प की थी वियतनाम की, ताकि इन पगोड़ों को वापस एक तरीके से दोबारा ठीक ठाक किया जाए, रिनोवेट है वो किया जा सके। तो वो आपको ध्यान रखनी है न्यूज़ भी। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम सांची के स्तूप के बारे में देखेंगे, इसके साथ ही बाकी आगे हम फोम इन है पगोड़ा के बारे में। देखो जो सांची का स्तूप है वो 3rd century BCE में बनाया गया था, तो ये चीज़ आपको पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद बनाया किसने था, यह मेनली मौर्य एम्पायर, जो मौर्य साम्राज्य था अशोक के टाइम पे इसको बनाया गया था। आर्किटेक्चर किस रिलेटेड है वो भी यूपीएससी पूछ सकती है। तो इसकी जो आर्किटेक्चर है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, ये आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है यहाँ का वो आता है कि इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है वो किया गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सांची में इसकी लोकेशन है वो है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अब बाती है अगली, फो मीना पगोड़ा। देखो वैसे तो फो मीना पगोड़ा इंडिया का नहीं है, बट आप जानते हो कि अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया तो का थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टाम्प की वजह से, तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। फो मीना पगोड़ा है वो एक्चुअली बनाया गया था वियतनाम में एक डायनेसिटी जिसका नाम है ली डायनेसिटी। ये ली डायनेसिटी के द्वारा मैंने इसको बनाया गया था। इसके बाद में इसका और विस्तार वगैरह एक्सपेंडेशन वगैरह किया गया था, वो किया गया था तरन डायनेसिटी के द्वारा। बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है बस, किससे रिलेटेड है, वियतनाम से यह रिलेटेड है। अब देखो चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में हम देख लेते हैं। कंटेक्स तो कुछ इतना खास नहीं है, बट हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो हमारे देश में क्या है कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए आप बोल सकते हो या फिर स्टेट के अपनी कोऑर्डिनेशन है वो बनाया जा सके, इसके लिए एक स्टेट काउंसिल है उनका निर्माण किया गया था जगह जगह पे। तो देखा जाए तो 5 काउंसिल तो बनाई गई थी एक साथ, और फिर एक बनाई गई थी अलग से नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल हो। तो कुल मिला के हमारे देश में 6 काउंसिल हैं। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। 5 एक साथ बनाई गई थी, वो थी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। तो इस तरीके से बनाई गई थी 5। इसके बाद में एक और बनाएगी, वो बनाई गई थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, तो ये बनाई गई थी अलग से। टोटल देखा जाए तो हमारे देश में 6 काउंसिल हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंट्रल, और इसी के साथ में एक नॉर्थ ईस्ट की अलग से है। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखनी है। अब बात यहाँ पे जो आर्टिकल आया है हमारा वो स्पेशली फोकस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। तो सबसे पहले बात ये आती है भाई स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। केवल मैं आपको हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट बनाया था 1970 में, उसके तहत इसका निर्माण है वो किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी काउंसिल है। ऑब्वियसली एक स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी काउंसिल है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल होती तो इसका मतलब ये होता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में उल्लेख डायरेक्टली किया गया होता। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, फिर जो और भी काउंसिल हैं वो सारी क्या है, इसी स्टेचुरी बॉडी के तहत आती हैं। अब इसका काम क्या है, काम इसका मेनली है कि देखो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपको पता है कि इंडिया के मेन एरिया से थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा देखा जाए तो वहाँ का कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से। इसके साथ इंडिया के मेनलैंड की बात की जा रही है देखो अभी यहाँ पे कंपैरिजन में। इसके साथ ही वहाँ पे जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनकी कनेक्टिविटी का बड़ा इशू रहता है, इसलिए उस वाले स्टेटों में आपस में कोऑर्डिनेशन वो किया जा सके उन 8 स्टेट्स में। और इसी के लिए इसका निर्माण है वो किया गया था, ताकि स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन वो किया जा सके, और इसके साथ साथ वहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम है वो भी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने इसका निर्माण है वो किया था। अब बात यहाँ पे आती है इसके चेयरमैन वगैरह के बारे में। तो जो होम मिनिस्टर होते हैं हमारे वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके साथ बात की जाती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होती है नॉर्थ ईस्ट के जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री बनाई गई है डोनर मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं, हेड मिनिस्टर होते हैं, वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई इसके चेयरमैन कौन होते हैं और वाइस चेयरमैन है वो कौन होते हैं। इसके साथ चलो आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और बताना है कि इनलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके हेड हैं वो कौन होते हैं, मतलब उसके चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है सर्च आइकॉनिक प्लेस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने अभी 10 नए सर्च आइकॉनिक प्लेस हैं वो अभी एक्चुअली है उनकी लिस्ट है वो जारी की है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस वो कर लेते हैं। देखो गवर्नमेंट का एक मेन मिशन चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन, आपको बताया इसके बारे में। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चलाए इसके साथ साथ इसको कंप्लीट करने के लिए। और इसी दौरान गवर्नमेंट ने ये रखा कि भाई स्वच्छ भारत मिशन में एक सब पार्ट चलाया गया, वो चलाया गया था स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन है उसका मेन मोटो ये था कि सफाई है सैनिटेशन है उसको प्रमोट करना है। तो इसी के साथ जो स्वच्छ आइकॉनिक मिशन जो प्लेस मिशन चलाया गया था वो चलाया गया आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही। इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट हर साल क्या करती है 10 प्लेसेज हैं उनको चूज करती है कि हाँ भाई इस साल ये 10 प्लेसेज चूज कर ली। उसके बाद होता क्या है उन 10 प्लेसेज पे थोड़ा स्पेशल फोकस किया जाता है, मतलब वो गवर्नमेंट की नज़रों में ज़्यादा रहते हैं, उनके आसपास सफाई वगैरह पे सैनिटेशन वगैरह हुआ या फिर और भी जैसे चीज़ें हाइजीनिक वगैरह इन्वायरमेंट वगैरह उन सारी चीज़ों को फोकस है वहाँ पे किया जाता है कि भाई उन 10 के प्रति तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान वो देना है। अब हो सकता है वो काफ़ी सेंसिटिव हो या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो उनकी धार्मिक रीजन्स की वजह से या फिर और भी काफ़ी रीजन्स हैं वो हो सकते हैं आर्किटेक्चर वजह की वजह से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी 10 जो नए आइकॉनिक प्लेस हैं 2018-19 की लिस्ट है वो पब्लिश की है, इसमें 10 को आइडेंटिफाई वो कर लिया है। तो देखो नाम तो आपको सब याद रखने की जरूरत है वो नहीं है, बस आपको पता होना है कि चाहिए कि सोच आइकॉनिक प्लेस मिशन है क्या। अब बात इंपॉर्टेंट आती है मिनिस्ट्री की, यहाँ पे तो यह एक मेनली एक कोलेब्रेशन है 3 मिनिस्ट्रीज का। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, सबसे पहले आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, तो ये आपको ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इन तीनों का एक कोलेब्रेशन है आप बोल सकते हो। इसकी हेल्प से ही इस मिशन को अंजाम है वो दिया जाएगा। बताया कि हर साल 10 प्लेसेज को सिलेक्ट किया जाता है और उनमें मेनली सफाई और सैनिटेशन जैसी चीज़ों पर फोकस है वो किया जाता है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि भाई जो स्टेट्स हैं वो भी इसमें फोकस करेंगे, स्टेट हैं वो भी अपना ये कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देंगे। इसके साथ पब्लिक सेक्टर की जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी या प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंडिविजुअल हैं पर्सन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं UPSC एग्जाम पूछ ले कि ओनली पब्लिक सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट इसमें रोल करेगी, नहीं नहीं भाई कोई भी इसमें रोल अपना निभा सकता है। तो ये थी कंप्लीट न्यूज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो है लिम्फेटिक फेरियलाइसिस डिजीज़ के बारे में। देखो ये लिम्फेटिक फेरियलाइसिस डिजीज़ है, इसको मैनली हिंदी में हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। इसका देखो आपको अब तो हम नाम से समझ गए होंगे कि इस डिजीज़ में होता क्या है कि जो पैर होता है उसमें सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। एक सेकेंड आपको इमेज देता हूँ, इस कुछ इस तरीके से इसमें क्या कि पैर की जो साइज़ है वो धीरे धीरे मोटी होने लग जाती है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है और पैर इतना भारी होता है कि फिर चलने फिरने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे होता क्यों है, क्योंकि देखो एक पैरासिटिक वॉर्म होता है वो क्या कि जब भी बाइट कर लेता है उससे जब भी संक्रमण हो जाता है उसकी वजह से फिर ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। अब जब एक बार कोई इंसान इन्फेक्टेड हो गया फिर इसको अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया दूसरे को बाइट कर लिया तो उसकी वजह से फिर ये धीरे धीरे फैल सकता है। तो ये इसके बारे में कि भाई ये डिजीज़ वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया, डिजीज़ हमने देख ली। अब बात ये कि कंटेक्स्ट तो देख लिया या देखा ही नहीं हमने कि कंटेक्स्ट है क्या। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी जो ये हाथी पांव है इसकी एक ग्लोबल मीटिंग होने जा रही है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो ये लिम्फेटिक फेरियलाइसिस डिजीज़ है इसके काफ़ी ज़्यादा रोगी हैं वो पाए जाते हैं, मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो लिम्फेटिक फेरियलाइसिस डिजीज़ से पीड़ित हैं और इसलिए इंडिया इसकी जो मीटिंग हो रही है 10th मीटिंग उसको होस्ट कर रहा है ताकि इसके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार के थ्रू अवेयर किया जा सके, उनको जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाए जा सकें और इसके संक्रमण को रोका है वो जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट की काफ़ी प्रयास भी कर रही है। तो आपको ध्यान रखना कि ये पैरासिटिक वॉर्म है जिसकी वजह से ये फैलता है। वॉर्म का नाम क्या है वो आपको मैंने भी बता दिया यहाँ पे, ये फेरियल एक वॉर्म है जिसकी वजह से ये मेनली फैलता है। उसके बाद मॉस्किटो वगैरह अगर बाइट कर ले तो उससे भी फिर धीरे धीरे आगे फैलता रहता है। इसके साथ ही बात आती है यहाँ पे ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फेरियलाइसिस, इसके बारे में देख लेते हैं। GEGAELF ये एक WHO का प्रोग्राम है, इसका मेन मोटो ये है कि भाई जो ये हाथी पांव जो डिजीज़ है ना इसको एक्चुअली खत्म किया जा सके। तो ये एक तरीके से अलायंस बनाया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना कि पब्लिक सेक्टर यूनिट भी शामिल होती हैं, प्राइवेट सेक्टर, NGO, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पर्सन भी इसमें शामिल होते हैं। मेन काम होता है कि लोगों को अवेयर करना और इसके साथ ही जो स्टेप हैं वो उठाना और जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है लोगों को वो सारे काम किए जाते हैं GEGAELF के द्वारा। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडिया भी इसकी 10th मीटिंग है उसको होस्ट कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल उसी को लेके यहाँ पे आर्टिकल हम वो डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, एक नॉर्मेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आप बोल सकते हो कि एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप जानते हो कि मशीन के अंदर जो बुद्धि था या बोल सकते हो कृत्रिम बुद्धि है उसको डालना, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से आप कह सकते हो। अब बात ऐसी है कि एक इंस्टीट्यूट है MIT इंस्टीट्यूट,
इस इंस्टीट्यूट ने ये नॉर्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है वो पेश किया है। देखो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट हैं वो हो सकते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हमने काफ़ी बार देख लें, गवर्नमेंट कहती है या देखे हमने कि जैसे कि गूगल का जो गूगल असिस्टेंट वगैरह हुआ या फिर एप्पल का सीरी हुआ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल हैं। बट अभी पॉजिटिव तो सब लोग देख चुके हैं काफ़ी बार, तो अभी नेगेटिव इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है भाई, इसका क्या बुरा परिणाम हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको समझाने के लिए आप बोल सकते हो कि एक तरीके से एक स्टडी की गई है, उसका नाम रखा गया है नॉर्मन। नॉर्मन वैसे एक हॉलीवुड की मूवी आई थी जो कि जैसे आपने कई बार हॉलीवुड वगैरह की मूवी देखी होंगी कि रोबोट का एग्जाम्पल ले सकते हो कि देखो जिस तरीके से हमने इंडिया की जो रोबोट मूवी थी उसमें जो चिप वगैरह चेंज कर दी गई थी तो फिर वो रोबोट किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने लग गया था, तो वही एक तरीके से यहाँ पे उसी तरीके से नॉर्मन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी पूछ सकती है डायरेक्टली कि भाई नॉर्मन है क्या, तो ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्टडी है उसके दुष्प्रभाव को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव की स्टडी के लिए नॉर्मन है उसका निर्माण है वो किया गया है। तो एक तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल हो गया है क्या, ये आपको ध्यान रखना कि दुष्प्रभाव को कि केवल उसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनकी स्टडी के लिए बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी में भी पूछ ले। अगली जो न्यूज है वो आई है निक्के की एशिया प्राइज के बारे में। तो निक्के की एशिया प्राइज है वो 1996 में इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि सुलेब इंटरनेशनल एक इंडिया का एनजीओ है, उस एनजीओ के जो हेड हैं या जो लीडर हैं जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, उनको एक्चुअली निक्के एशिया प्राइज है वो दिया गया है। तो हमारे लिए निक्के जो एशिया प्राइज है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सुलेब इंटरनेशनल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और बिंदेश्वर पाठक भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। सुलेब इंटरनेशनल की बात करते हैं सबसे पहले। सुलेब इंटरनेशनल है वो आपको बताया कि एक एनजीओ है जो कि इंडिया के मेनली इंडिया में और इसके साथ बाकी और कंट्रीज में भी काम करता है। काम क्या है, ह्यूमन राइट्स के लिए मेनली इसका फोकस है वो रहता है। अब ये निक्के की एशिया प्राइज वो दिया है किसको गया है, अभी बताया कि बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। क्यों, क्योंकि बिंदेश्वर पाठक ने गरीबी के लिए या फिर आप बोल सकते हो सैनिटेशन के लिए और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों में उनको दूर करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप हैं वो किए हैं, काफ़ी सारे स्टैंड हैं वो लिए हैं, तो इसलिए इनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं निक्के की एशिया प्राइज की बात। देखो निक्के की एशिया प्राइज है वो मेनली एक जापान की एक मीडिया कॉरपोरेशन है, मतलब जापान की एक आप बोल सकते हो कि मेन मीडिया कॉरपोरेशन है जिसका नाम है निक्के की, तो उस निक्के की ने ही इसको स्टार्ट है वो किया है, इसलिए अपने नाम पे उन्होंने इस प्राइज़ का नाम वो रखा है। और ये प्राइज़ केवल और केवल इंडिया के लोगों को दिया, सॉरी इंडिया नहीं एशिया के लोगों को ही ये दिया जाता है। क्यों, एशिया के जो भी लोग होते हैं अगर उन्होंने किसी की लाइफ में काफ़ी मतलब अच्छे रिफॉर्म लेके हों या फिर उन्होंने कुछ इतना अच्छा काम किया हो उनको यह अवार्ड वो दिया जाता है। यह अवार्ड किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी यह दिया जा सकता है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और इससे पहले यह अवार्ड इंडिया के और लोगों को भी मिला है, जैसे इंडिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सॉरी इंडिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह उनको भी मिला हुआ है। इसके साथ ही इन्फोसिस के जो हेड थे नारायण मूर्ति उनको भी यह अवार्ड है वो दिया गया। तो यह ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया में पहली बार इस अवार्ड को दिया गया है, नहीं भाई ऐसा नहीं, इंडिया में पहली बार नहीं मिला, इससे पहले नारायण मूर्ति को भी अवार्ड मिला है, मनमोहन सिंह को भी अवार्ड है वो मिला हुआ है। कौन कौन से एरियाज में मिलता है, यह मेनली या तो रीजनल ग्रोथ है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है या फिर किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए काम किया तो दिया जाता है या फिर कल्चर कोई उन्होंने अच्छा काम किया उसके लिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि एशिया के लोगों को अगर किसी भी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ के लिए अवार्ड है वो दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि निक्के की एशिया प्राइज है वो है क्या, यह एशिया के लोगों को ही दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी यही थी। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।